A very good evening and welcome to all of you. In today's class, I am going to explain MTS previous year question papers of 2017 and it is set 19 today. So let's get started. Question number one is, Arun likes to eat, sleep and reading. Common error se yah prashn hai. Like ke saath hame do baaton ka dhyan rakhna hai. Like ke baad इन्फिनिटिव का प्रयोग भी सही माना जाता है और जेरंड का प्रयोग भी सही माना जाता है. यहां लाइक्स के साथ टू है तो अरुण लाइक्स टू ईट, स्लीप एंड रीड कर दें. बेहतर यही है. आंसर सी होगा. आंसर सी होगा. हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अरुण लाइक्स ईटिंग, स्लीपिंग एंड डांसिंग और रीडिंग. रीडिंग तो अब हमें दो जगह सुधार करना पड़ जाएगा और इस तरह से हम सुधारते हैं तो एक ही जगह, इसलिए बेहतर आंसर सी होगा. एक ही जगह सुधारने से यह सेंटेंस करेक्ट हो जाता है. क्वेश्चन नंबर टू, दे कॉम्प्रोमाइज विद हेल्थ देन कंटेनिंग प्रिजर्वेटिव्स एंड आर्टिफिशियल. यह एक ऐसा सेंटेंस है जो मीनिंगलेस है. दे कॉम्प्रोमाइज विद, वे कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं हेल्थ के साथ, तब वे. अब जब यहां हम दे कॉम्प्रोमाइज का यूज कर रहे हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस का, तो यहां कंटेनिंग के जगह हम कंटेन का यूज करेंगे. कंटेन प्रिजर्वेटिव्स एंड आर्टिफिशियल, यहां तक ये सही था. कंटेन के बाद ये प्रिजर्वेटिव्स ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, लेकिन फिर अब यहां आर्टिफिशियल ये एडजेक्टिव लगा दिए. नाउन के बाद एंड से एडजेक्टिव कभी नहीं जुड़ता है. मीनिंगलेस है यह सेंटेंस, लेकिन मेजर ग्रामेटिकल मिस्टेक बी में है, इसलिए हम आंसर बी मान लेंगे. बट यहां भी मिस्टेक है. अब सेट में ऐसा ही दिया हुआ है, मैं क्या करूं. आगे क्वेश्चन नंबर थ्री, व्हेन मिस्टर बात्रा हर्ड द न्यूज ऑफ हिज डॉटर्स सेलेक्शन टू द कॉलेजेस फुटबॉल टीम ही फेल्ट डैश. जब मिस्टर बात्रा ने यह खबर सुनी कि उनके बेटी का चयन कॉलेज के फुटबॉल टीम में हो गया है, ही फेल्ट डैश, वे डैश महसूस किए. वोकैब पर आधारित यह प्रश्न है. इसमें है एक्सास्परेटेड, इसका अर्थ होता है क्रोधित. वे क्रोधित हो गए, गुस्से में आ गए. इम्बिटर्ड हो गए, यानी उनके अंदर करवाहट भर गई. इम्बिटर्ड करवा रिलेशन के लिए यूज होता है. इलेटेड मीन्स होता है गौरवान्वित. वे कैसा महसूस किए. और एनेमर्ड मीन्स होता है आकर्षित और सम्मोहित. किसी के प्रेम में आ जाना एनेमर्ड होता है. तो वे एलेटेड महसूस किए. जब किसी का बच्चा, उसका बेटा या बेटी बहुत अच्छा कर जाता है तो आदमी गौरवान्वित महसूस करता है, चाहे इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, इन द फील्ड ऑफ कॉम्पिटिशन और इन द फील्ड ऑफ गेम, कोई भी फील्ड हो. तो यहाँ एलेटेड होगा. थ्री का आंसर सी. एक्सास्परेटेड मीन्स होता है गुस्से में. क्वेश्चन नंबर फोर, शिखा सेड दैट शी हैड नेवर डैश अ बुक शी लाइक्ड सो मच. शिखा ने कहा कि उसे कभी वह किताब डैश नहीं हुई जिसे वह बहुत चाहती थी. तो कम अक्रॉस मीन्स होता है मुलाकात होना. आदमी और वस्तु दोनों के लिए हम कम अक्रॉस का प्रयोग करते हैं. व्यू ऑन, नजरें पड़ना. हेल्प अपॉन, कुछ नहीं होता. सॉ इनटू, कुछ नहीं होता. यहां होगा कम अक्रॉस. जिस किताब को वह बहुत चाहती थी कभी उसे उसकी मुलाकात नहीं हुई, यानी उस किताब को वह देख नहीं सकी. हम ये कहेंगे व्यूड ऑन उतना सुटेबल नहीं होगा. कम अक्रॉस का प्रयोग करें. क्वेश्चन नंबर फाइव, शब्द है पायोनियर. पायोनियर मीन्स होता है प्रवर्तक. पायोनियर मीन्स होता है शुरू करने वाला. इसका अर्थ होता है प्राथमिक. जो सबसे पहले हो वह पायोनियर होता है. ऑप्शन इसके लिए लास्ट है, प्राइमरी है, मॉडर्न है और फॉलोइंग है. तो लास्ट आप जानते हैं सुपरलेटिव डिग्री है. जरा कमेंट कर दें यह लास्ट K
किस शब्द का सुपरलेटिव डिग्री है, कमेंट करके बता दें। प्राइमरी मींस होता है प्राथमिक, मॉडर्न आधुनिक, और फॉलोइंग आगामी। तो पायोनियर का सिनोनिम हमें बताना है, तो इसके लिए हम यहां पर प्राइमरी सेलेक्ट करेंगे और ये लास्ट शब्द जो है अंग्रेजी के लेट पॉजिटिव डिग्री का कॉम्परेटिव डिग्री लेटर और लैटर होता है और इसका सुपरलेटिव डिग्री लेटेस्ट और लास्ट होता है, यानी इसका रूट वर्ड लेट है। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने, शब्द है इथिकल जो कि एडजेक्टिव है अपने आप में और इसके लिए चार ऑप्शन है, इमोरल है, अनजस्ट है, करप्ट है और इक्विटेबल है। हमें सिमिलर वर्ड बताना है यानी समानार्थी शब्द आप बताएं। इथिकल मीन्स होता है नीतिगत, न्यायोचित, जो न्यायानुकूल हो, जो न्याय के संदर्भ में उचित हो उसे हम इथिकल कहते हैं, जो नीति नियमों के अनुसार हो वह इथिकल होता है। इमोरल अनैतिक एंटोनिम हो जाएगा, अनजस्ट अन्यायपूर्ण, करप्ट भ्रष्ट और इक्विटेबल न्यायोचित। तो आंसर क्या होगा 6 का, डी होगा, न्यायोचित। क्वेश्चन नंबर 7, शब्द स्कैटर है और इसका भी सिमिलर वर्ड बताना है, डिस्पर्स है, गैदर है, रिकॉन्साइल है और कलेक्ट है। तो स्कैटर, स्कैटर मीन्स होता है बिखेर देना, स्कैटर मीन्स बिखेर देना, फैला देना, डिस्पर्स बिखेर देना, फैला देना, तितर बितर कर देना, गैदर इकट्ठा करना, रिकॉन्साइल मैत्री करना, झगड़ा इत्यादि होने के बाद पुनः मिलन हो जाना रिकॉन्साइल होता है। रिकॉन्साइल मीन्स ढाल लेना भी होता है, खुद को उसने ढाल लिया यानी रिकॉन्साइल कर लिया, को अनुकूल बना लिया। कलेक्ट इकट्ठा करना, कलेक्ट गैदर सिनोनिम होते हैं, गैदर का सिनोनिम कलेक्ट होगा और स्कैटर का सिनोनिम डिस्पर्स होगा। स्कैटर डिस्पर्स का एंटोनिम, गैदर होगा, कलेक्ट होगा, अमैस होगा। नंबर 8 में अपोजिट वर्ड बताना है आपको और शब्द आपके सामने वियर्ड है, इसके लिए यूजुअल है, ऑफुल है, क्रीपी है और फियरफुल है। वियर्ड मीन्स होता है विचित्र, अलग ढंग का, जो सामान्य ना हो यानी अजीबो गरीब आप कह सकते हैं। अजीबो गरीब, इसके लिए सिनोनिम आप जरा कमेंट कर दें इसका सिनोनिम। यूजुअल मीन्स होता है सामान्य, सामान्य। ऑफुल डरावना, क्रीपी रेंगने वाला, सरकने वाला, और फियरफुल डरावना, ऑफुल का सिनोनिम फियरफुल होगा। वियर्ड का एंटोनिम यूजुअल होगा और इसका सिनोनिम होगा अनयूजुअल, स्ट्रेंज, अनयूजुअल, स्ट्रेंज, वियर्ड, अजीबो गरीब, हैरत अंगेज कर देने वाला, बिजैरे भी आप कह सकते हैं। कभी कभी इसका सिनोनिम और भी हो जाएगा, ओ डबल डी। तो 8 का आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने, शब्द है चैरिटी, आपको इसका एंटोनिम बताना है। ए में डोनेशन, बी में स्टीलिंग, सी में गिफ्टिंग और डी में ऑफरिंग। जल्दी जल्दी कमेंट करें आप लोग। चैरिटी मीन्स दान होता है, डोनेशन मीन्स दान होता है, स्टीलिंग
मीन्स चोरी होता है, गिफ्टिंग मीन्स उपहार, और ऑफरिंग चढ़ावा, ऑफरिंग चढ़ावा। तो चढ़ावा, उपहार, दान एक सेंस के वर्ड हैं, इसमें अलग है स्टीलिंग। आंसर होगा 9 का बी। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने, शब्द है हॉस्टाइल। हॉस्टाइल के लिए एंटोनिम बताना है आपको। ए में एल, टाइप मिस्टेक है, एलियन कोई वर्ड नहीं है, ये तो नाम है, यहां एलियन होना चाहिए। बी में हेटफुल, सी में अपोज्ड, और डी में जेंटिल। तो हॉस्टाइल बहुत रिपीट कर रहा है, पहले कई बार बता चुका हूं। हॉस्टाइल मीन्स होता है शत्रुवत्, इसका सिनोनिम होता है इनिमिकल। इनिमिकल। एलियन मीन्स होता है विदेशी, जो फॉरेन लैंड का हो उसे एलियन कहते हैं। हेटफुल, घृणास्पद। हेटफुल का आप सभी लोग सिनोनिम बता दें जल्दी से, कमेंट करें फटाफट, हेटफुल का सिनोनिम बताएं। अपोज्ड, विरुद्ध, विपरीत, और जेंटिल, सुशील, भद्र। तो हॉस्टाइल का हमें बताना है अपोजिट वर्ड। अब इसमें तो अपोजिट एक ही है ना, जेंटिल, बाकी तो कोई इसका अपोजिट होगा नहीं। मैंने कहा हेटफुल का आप सिनोनिम बता दें, घृणास्पद, ऑब्नॉक्सस, ऑब्नॉक्सस, ओडियस, ऑब्नॉक्सस, ओडियस, हेटफुल, घृणास्पद। यानी 10 का आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 11, फूल्स पैराडाइज एक इडियम है, आपको इसका मीनिंग बताना है फूल्स पैराडाइज का। ए में इन विच नो टीम विंस, बी में टू बी टायर्ड ऑफ बीइंग हैप्पी, सी में बीइंग हैप्पी फॉर फूलिश रीजंस, और डी में बी सी क्रिएटिव फॉर अनफाउंड रीजंस। फूल्स पैराडाइज शाब्दिक अर्थ होता है मूर्खों का स्वर्ग। मूर्खों का स्वर्ग इसका मतलब यही होता है कि वह जगह जो वास्तविकता में भले ही तुच्छ हो, लेकिन किसी मूर्ख को वहां आनंद आ रहा हो तो वो समझ ले कि यही स्वर्ग है। दिस इज कॉल्ड फूल्स पैराडाइज। तो यहां पर क्या दें, या यहां पर देंगे हम बीइंग हैप्पी फॉर फूलिश रीजंस, बीइंग हैप्पी फॉर फूलिश रीजंस, दूसरा कुछ होने वाला नहीं है। सीक्रेटिव, सीक्रेट का एडजेक्टिव है। क्वेश्चन नंबर 12, गोल्डन मीन। गोल्डन मीन एक इडियम है जिसका अर्थ होता है औसत, औसत या मध्यम, औसत या मध्यम। ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट यूज टू मेक फेवरेबल चांस, नाइदर टू मच नॉर टू लिटिल, न बहुत ज्यादा न बहुत कम, यानी औसत और मध्यम। इसलिए आंसर हो जाएगा 12 का सी। क्वेश्चन नंबर 13, ब्रैकेटेड पार्ट को इंप्रूव करना है, और क्वेश्चन आपके सामने है कृष्णा विल इन द, अच्छा ऑप्शन इसमें कम को हमें इंप्रूव करना है, इन द श्राइन ऑफ वंस हर्ट, यानी हमारे दिल के मंदिर में कृष्णा आएंगे। लॉर्ड कृष्णा की बात हो रही है, टाइप मिस्टेक है, यहां कृष्णा होगा। श्राइन मीन्स मजार होता है, साइन, श्राइन मीन्स पवित्र स्थल होता है, देवतुल्य स्थान को हम श्राइन कहते हैं। तो कृष्णा दिखेंगे, देखेंगे नहीं, मेड अपियर होंगे, ये ईश्वर भगवान के लिए यहाँ बात कही जा रही है। भगवान के, भगवान उपस्थित होते हैं कहीं आने के लिए, अपियर का प्रयोग करते हैं, इसलिए 13 का आंसर सी होगा। यहाँ भी वोकैब का ही टेस्ट है। क्वेश्चन नंबर 14, वेयर एवर यू मे फाइंड अदर जॉब्स ऑफ योर इंटरेस्ट बिलो, ये भी तो अर्थ पता ही है। वेयर एवर यू मे फाइंड अदर जॉब्स ऑफ योर इंटरेस्ट बिलो, खैर इंप्रूव करने पर मीनिंगफुल हो जाएगा, आप हाउ भर सेलेक्ट कर लें। हालांकि लेकिन, लेकिन या हालांकि
आप नीचे अपने पसंद के जॉब अन्य जॉब को प्राप्त कर सकते हैं, पा सकते हैं, बाकी कोई होने वाला नहीं है। 14 का आंसर ये होगा। क्वेश्चन नंबर 15, समबडी दैट फोरटेल्स द कमिंग ऑफ समथिंग, वह व्यक्ति जो किसी चीज के आगमन की भविष्यवाणी करे, फोरटेल मीन्स भविष्यवाणी करना होता है, इसका सिनोनिम बता दें आप, एस्टिमेशन, अनुमान या आकलन, इसका सिनोनिम होता है अप्राइजल, हार्बिंगर सूचक, द्योतक सूचक, द्योतक संकेतक, यानी जो कुछ घटित होने वाला हो उसका संकेत देने वाला हार्बिंगर होता है, इसलिए आंसर बी होगा। एंडेमिक, किसी विशेष स्थान पर फैला हुआ, किसी विशेष क्षेत्र में, किसी विशेष क्षेत्र में फैला हुआ। प्रोडिजी, विलक्षण प्रतिभा वाला, विलक्षण प्रतिभा वाला बच्चा या व्यक्ति। वन वर्ड में पूछता है, वह बच्चा जिसमें विलक्षण प्रतिभा हो उसे क्या कहें, तो प्रोडिजी कहते हैं। अनयूजुअल टैलेंट जिसके अंदर हो उसे हम प्रोडिजी कहते हैं। तो 15 का आंसर भी होगा हार्बिंगर। फोरटेल मीन्स भविष्यवाणी करना, फोरकास्ट मीन्स भविष्यवाणी करना, फोरटेल मीन्स भविष्यवाणी करना, फोरकास्ट मीन्स भविष्यवाणी करना, प्रोफेस मीन्स भविष्यवाणी करना, प्रोफेस मीन्स भविष्यवाणी करना, भविष्य बताना। क्वेश्चन नंबर 16, प्रिडिक्ट भी होगा। प्रिडिक्ट मीन्स भी होता है भविष्यवाणी करना, प्रिडिक्ट। सेंड बैक अ क्रिमिनल इनटू कस्टडी फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन, ये क्या हेडिंग दे रहे हैं, है? रोज गलती कर रहे हैं। वन वर्ड बताइए, सेंड बैक अ क्रिमिनल इनटू कस्टडी फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन, फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए किसी क्रिमिनल को कस्टडी में भेजना, पुनः भेज देना, क्या कहलाता है? सम्मन, सम्मन मीन्स होता है बुलावा भेजना। सम्मन मीन्स बुलावा भेजना, नोटिस सूचना देना, नाउन और वर्ब दोनों का यह काम करता है। रिमांड और ऑफेंस, ऑफेंस मीन्स अपराध होता है, रिमांड होगा। किसी क्रिमिनल को पुनः कस्टडी में देना पूछताछ के उद्देश्य से, उसे हम रिमांड कहते हैं, यानी 16 का आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 17, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड को चूज करना है, तो सेलिब्रेट बी होगा, अर्थ होता है उत्सव मनाना, इसका अर्थ उत्सव मनाना 17 का। क्वेश्चन नंबर 18 में भी स्पेलिंग मिस्टेक वाला ही है, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड को आप चूज करें। डायलॉग, DIALOGUE, दो या अधिक लोगों के बीच की बात को हम डायलॉग कहते हैं। 18 का आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 19, इंप्रूव करें सेंटेंस को, अरेंज्ड करें आप, जम्बुल्ड पार्ट्स हैं सभी, डांस एंड लाफ्टर फिक्स्ड है, उसके बाद पी की वार को आपको इंप्रूव करना है। पी में है इजिली अप्रोचेबल डोर्स, क्यू में है आर द बेस्ट नेचुरल एंड, और आर में है टू अटेनिंग नो माइंड। डांस एंड लाफ्टर, यह जो पार्ट है सब्जेक्ट का काम कर रहा है,
इसके बाद वर्ब चाहिए, शुरू करें क्यू से। डांस एंड लाफ्टर आर द बेस्ट नेचुरल एंड, अब एंड के बाद अभी चर्चा हम इसकी कर रहे हैं तो टू आएगा नहीं, यानी पी होगा। डांस और लाफ्टर, नृत्य और हंसी, ये बेस्ट हैं और नेचुरल हैं। ग्रामेटिकल मिस्टेक है, सुपरलेटिव डिग्री पॉजिटिव डिग्री एक साथ, लेकिन चलने दीजिए, कॉमन एरर में गलत हो जाता। बेस्ट नेचुरल एंड इजिली अप्रोचेबल डोर्स, ये आसानी से पहुंचे जाने वाले दरवाजे हैं, किस चीज के लिए? टू अटेनिंग नो माइंड। तो आंसर होगा क्यू पी आर, क्यू पी आर यानी बी। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने, जल्दी जल्दी कमेंट करें आप लोग। क्वेश्चन नंबर 20, थिंकिंग दैट यू नो व्हेन इन फैक्ट यू डू नॉट नो इज ए बैड मिस्टेक। यू डोंट इज ए बैड मिस्टेक टू विच वी आर ऑल प्रोन। प्रोन का अर्थ होता है अधोन्मुख। अब अधोन्मुख भी समझने में दिक्कत होगी आपको, की ओर झुका हुआ, की ओर झुका हुआ सिनोनिम होता है इसका इनक्लाइंड, इनक्लाइंड। थिंकिंग दैट, अब यहां पर ना डोंट और इज एक साथ आया तो कॉमा चाहिए, ब्रेक चाहिए यहां। थिंकिंग दैट यू नो व्हेन इन फैक्ट यू डोंट, यह आप सोच लेते हैं कि मैं जानता हूं आप जानते हैं, वास्तव में आप नहीं जानते हैं। और यही भारी मिस्टेक है जो जिसके प्रति हम सब झुके रहते हैं, यानी ऐसी गलती हम सभी करते हैं। हम यह मान लेते हैं कि हम जानते हैं, लेकिन वास्तविकता यही है कि हम नहीं जानते होते हैं, यानी पी की वार ही होगा, जैसे है वैसे ही होगा। यू नो व्हेन इन फैक्ट यू डोंट इज अ मिस्टेक, इज अ बैड मिस्टेक। क्या ही लेखक लोग प्रश्न सेट कर देता है। अब यहां पर बैड मिस्टेक की बिग मिस्टेक, अब मिस्टेक के लिए बैड एडजेक्टिव थोड़े लगता है, इज अ बिग मिस्टेक, ऐसा ही प्रश्न आया हुआ है अटपटा। पी क्यू आर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 21 से 25 क्लोज टेस्ट है, आप पढ़ें और आंसर दें। 21 का आंसर दिया जाए, एंड डैश इज द नेचुरल सराउंडिंग्स विच हेल्प लाइफ टू ग्रो, टू डैश एंड डिस्ट्रॉय ऑन दिस प्लैनेट कॉल्ड डैश। एंड डैश इज द नेचुरल सराउंडिंग्स विच हेल्प लाइफ टू ग्रो। अच्छा, जब एन लगा है तो नेचर और यूनिवर्स नहीं होगा, क्योंकि यूनिवर्स का उच्चारण य से शुरू होता है, ब्रह्मांड अर्थ होता है, तो ये तो नहीं होगा। स्काई भी नहीं होगा, ये तो वॉवेल साउंड ही कह रहा है कि आप एनवायरमेंट भर दें, एनवायरमेंट। एंड एनवायरमेंट इज द नेचुरल सराउंडिंग्स, यानी जो एनवायरमेंट है वह प्राकृतिक सराउंडिंग्स है, विच हेल्प लाइफ टू ग्रो, जो जीवन को ग्रो करने में हेल्प करता है। टू डैश, अब जीवन के लिए यहां पर अंत है, डिस्ट्रॉय है, और यहां पर ग्रोइंग है, तो ग्रो के अगले स्टेप की चर्चा हमें करनी होगी, और तब ना वो लास्ट में डिस्ट्रॉय होता है जीवन। तो नॉरिश है, कंट्रोल है, रिजिड है, पैरेलल्ड है, तो यहां पर क्या होगा? यहां ग्रो है तो नॉरिश होगा, यानी यह जो एनवायरमेंट है यह हमें ग्रो कराता है, हमारा पालन पोषण करता है, नॉरिश करता है, नर्चर करता है, फोस्टर करता है, ब्रिंग अप करता है, सिनोनिम है ये सभी। ऑन दिस प्लैनेट कॉल्ड, हम लोग किस प्लैनेट पर रहते हैं, हम लोग किस प्लैनेट पर रहते हैं, किस प्लैनेट की बात हो रही है? मार्स, वेनस, सैटर्न और अर्थ, बात ये अर्थ की हो रही है,
इसलिए आंसर डी होगा। अर्थ, नेचुरल एनवायरमेंट प्लेज अ ग्रेट रोल इन द, नेचुरल एनवायरमेंट अहम भूमिका निभाता है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है इन द डैश ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। अब यह अर्थ कह रहा है कि वहां अर्थ होगा, और यह एनवायरमेंट कह रहा है कि वहां फर्स्ट में एनवायरमेंट होगा, इसलिए क्लोज टेस्ट बनाते समय मैं बार बार समझाता हूं कि एक बार पढ़ जाएं, दूसरी बार अटेम्प्ट करें और बनाते चलें। तो नेचुरल एनवायरमेंट प्लेज अ ग्रेट रोल इन द डैश ऑफ लाइफ, इन द वेनस ऑफ लाइफ, इन द एक्सटेंशन ऑफ लाइफ, इन द इंटेंशन ऑफ लाइफ, इन द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ। तो जीवन के अस्तित्व में, जीवन के अस्तित्व में एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ। इन द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ ऑन अर्थ एंड इट हेल्प्स ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स एंड अदर लिविंग थिंग्स टू ग्रो एंड डिवेलप नेचुरली। हम सभी की मदद नेचुरली ग्रो करने में यह करता है, बट ड्यू टू सम बैड एंड डैश एक्टिविटीज ऑन द ह्यूमन बींग्स आवर एनवायरमेंट इज गेटिंग अफेक्टेड। लेकिन ह्यूमन बींग्स के तरफ से ऑन द पार्ट ऑफ होगा, यहां तब सेंटेंस मीनिंगफुल होगा। ऑन द पार्ट ऑफ ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन बींग्स के तरफ से, ह्यूमन बींग्स के द्वारा कुछ डैश गतिविधियां की जाती हैं जिसके चलते एनवायरमेंट जो है अफेक्टेड हो जाता है। अफेक्टेड का मतलब होता है कि बैड इफेक्ट होना, यानी कैसी गतिविधि हम कर देते हैं, एंड के पहले बैड लगा हुआ है, यानी निश्चित तौर पर बैड के जैसा ही सब चाहिए, यानी एंड के पहले अगर नेगेटिव सेंस का वर्ड है तो एंड के बाद भी नेगेटिव सेंस का ही होगा। काइंड नहीं होगा, सेल्फिश हो सकता है, लॉजिकल नहीं होगा। अब रहा इलॉजिकल और सेल्फिश, तो हम गतिविधि कौन सी करेंगे, गैर तार्किक करेंगे या अपने फायदे की? तो हम पृथ्वी पर अपने फायदे की गतिविधि करते रहते हैं, इसलिए 25 का आंसर बी होगा। और इसी के साथ सेट 19 का एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हुआ। वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।